हाँ तो बात कर लीजिए भाई, अगर आप ये वीडियो पे आए हो तो आपके Realme के फ़ोन में जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा होगा, या यू का फास्ट चार्जिंग वर्क नहीं कर रहा होगा। क्योंकि बात कीजिए भाई, ये है मेरा Realme X50 Pro और एक ये फ्लैक्सिबल स्मार्टफोन है। और फिर बात कर लीजिए, इसमें अचानक से जो 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर से सुपर डार्ट चार्जर कहते हैं वो वर्क ही नहीं कर रहा था। मतलब जो पीला पीला आता है ना, क्योंकि अगर स्लो चार्ज होगा मतलब नॉर्मल चार्ज होगा तो नीला कलर का आएगा एनिमेशन, और अगर फास्ट चार्ज होगा तो वहाँ पर आपको पीला यानी येलो कलर का जो सुपर डार्ट चार्जर से कहते वो शो हो जाएगा। मैं मेरे Realme X50 Pro में ये शो नहीं हो रहा था, मैंने ट्विटर पे बताया। और मेरे में ऐसी प्रॉब्लम दो बार आ चुकी है। पहली बार तो जब आया था तो मैंने फ़ोन रीसेट कर दिया तो ठीक हो गया, लेकिन भाई जब दूसरी बार आया तो हो नहीं रहा था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका फास्ट चार्जिंग वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, मेरे में वर्क कर रहा है, तो मैंने क्या क्या किया है कि जिसकी वजह से मेरे Realme के फ़ोन में सुपर फास्ट चार्जिंग वर्क कर रहा है, यानी सुपर डार्ट चार्जिंग वर्क कर रहा है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले, तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कीजिए भाई, देखिए चार्जर कुछ आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सुपर डार्ट लिखा हुआ आएगा। हाँ, थोड़े से इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा गंदा है, लेकिन बात कीजिए इस तरह करके आपको वाइट चार्जर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये करना है कि जो आपकी केबल है उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना, अच्छी तरह से देख लेना है कि भाई कहीं कोई कटा तो नहीं है, कहीं कोई कट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से जो पावर सप्लाई होती है उसमें कोई दिक्कत देखने को मिल जाए। मतलब एकदम पूरी अच्छी तरह से इसे वेरीफाई कर लेना है कि आपके केबल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से वेरीफाई कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर। तो देखिए सेकंड में क्या करना है कि आपको ये देख लेना है भाई इसमें कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जुगाड़ लगाते ऐसा ऐसा करके देखते क्या कोई चीज़ टूटा तो नहीं जिसमें आवाज़ आ रही हो। तो ये दो चीज़ आपको मस्ट वेरीफाई कर लेना, क्योंकि भाई चार्जर ऑफकोर्स की बात है, चार्जर का ही काम है। तो अगर आपने ये दो चीज़ वेरीफाई कर लिया है, ये दो चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। थर्ड आपको जो है बोर्ड का वेरीफाई करना है कि जहाँ पे आप लगा रहे हो, जिस चार्जिंग सॉकेट में आप लगा रहे हो उसके बदले में आप चेंज करके देखिए, दूसरे सॉकेट में लगा के देखिए, दूसरे प्लग में लगा के देखिए कि उसमें वर्क कर रहा है, फर्स्ट में वर्क नहीं कर रहा है क्या सेकंड में वर्क कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि 65 वाट की जो चार्जिंग है ये ज़्यादा वाट एक बार में लेती है, और कोई कोई वाट्स क्या होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, कभी कभी वर्क नहीं करता, कोई भी रीज़न हो सकता है। क्योंकि भाई मैं तो इलेक्ट्रिशियन हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक चांसेस है कि ऐसा रीज़न हो सकता है। आपने वेरीफाई कर लिया आपका बोर्ड भी सही है जहाँ पर आप चार्जर लगाते हो, आपकी वाइट कलर की जो केबल ये भी सही है, और आपका जो ये जो चार्जर का ये आता है बॉक्स ये जहाँ पे हम लगाते हैं अडैप्टर ये भी सही है। मतलब आपने तीनों चीज़ को वेरीफाई कर लिया है और आपका जो है पूरा चार्जर सही है। और आपको एक बार क्या करना है, जैसे कि आप इसे यहाँ पे लगाते हो, ठीक है ये यहाँ पे लगाते हो, तो इसे एक बार अच्छी तरह से लगाना है। जैसे कि क्या होता है कोई ऐसा आधे में ही छोड़ देता है, तो आधे में भी छोड़ने की वजह से थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, थोड़ी थोड़ी करंट जाएगी, वाट जाएगी, तो इससे भी आपका फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं जो जो चीज़ बोल रहा हूँ आपको उसे वेरीफाई कर लेना, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद वो चीज़ सब कुछ ट्राई किया, मेरे में वर्क कर रहा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई दूसरे फ़ोन में जैसे कि Realme 7 Pro आपको याद होगा, उसमें भी 65 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। क्या करना है आपको, चार्जर से जो आपका चार्जर है उसे आपके फ्रेंड के पास में कोई भी फ़ोन होगा, Realme का कोई भी फ़ोन है जिसमें 65 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लगा के देखना है कि भाई क्या उसके फ़ोन में चार्जिंग हो रहा है, 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर उसमें चार्ज वर्क कर रहा है तो बस समझ लीजिए आपका चार्जर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आप सोचोगे क्या भाई मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो मैं फ़ोन में भी मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ कि क्या सेटिंग करना है। आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, मेरा ये Realme X50 Pro और भाई ये Realme एक फ्लैक्सिबल स्मार्टफोन है, और भाई जब इसमें दिक्कत आ सकती है तो ऑफकोर्स ये बात है बजट स्मार्टफोन में 100% फिक्स है कि दिक्कत आ ही सकती है। तो हम बात करते हैं, जैसे देख रहे हो ये Realme X50 Pro, और यहाँ पे जब इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन के साथ में क्या वेरीफाई करना है कि आपका फ़ोन सही हो, कहीं टूटा फूटा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये वेरीफाई कर लेना, और आपके दोस्त के पास में अगर 65 वोल्ट वाला चार्जर हो तो वो लगा के देखना है क्या उससे चार्ज हो रहा है। अगर उससे भी चार्ज नहीं हो रहा है तो ये तो फिक्स हो जाता है कि आपके फ़ोन में ही कोई दिक्कत है, तो क्या आपको सर्विस सेंटर जाना चाहिए। तो रुकिए रुकिए, इससे पहले एक और स्टेप आपको फॉलो करना है। जैसे कि देख रहे हो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में ऑन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हम यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देख लेना कि कोई सिस्टम का अपडेट तो नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं है। अगर वो आया हो तो सिंपली उससे अपडेट कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा जो Realme X50 Pro है Realme UI 3.0 पे लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट है, ये दिक्कत खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लिखा हुआ आ जाएगा, बैटरी का ऑप्शन पे कर देना है टैप। जैसे आप टैप करोगे तो बैटरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सा ऐप है, कितना यूज़ कर रहा है, कितना परसेंटेज चार्जिंग है, तो सारा आप कुछ सब कुछ देख सकते हो। और उसके बाद में क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे दिखा हो जाएगा ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग।
ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ जगह टू रिड्यूस बैटरी चार्जिंग, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप रात में फ़ोन चार्जिंग लगाकर सो जाते हो तो आपका फ़ोन जो ऑटोमेटिक स्लो चार्ज हो जाएगा, ठीक है, स्लो चार्जिंग हो जाएगा, जिससे आपका फ़ोन की जो बैटरी वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो इनेबल रहेगा इसे बंद कर देना है, बस इतना आपने काम कर लिया। और उसके बाद में आप चार्जिंग लगा के देखिए कि आपका फ़ोन चार्जिंग हो रहा है। नहीं हो रहा होगा तो होने लग जाएगा, क्योंकि मैंने यही फीचर अपनाया था, यही ट्रिक अपनाया था, जिससे मेरा Realme X50 Pro जो है फास्ट चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई यहाँ पे बंद करने से कैसे, देखिए ये क्या होता है कि आपको जो यूज़र पैटर्न है उसे समझता है कि आप किस टाइम पे फ़ोन चार्ज में लगाते हो, किस टाइम पे फ़ोन चार्जिंग से निकालते हो, कितने टाइम आप फ़ोन यूज़ करते हो, तो उस हिसाब से AI के थ्रू वर्क करता है, यानी स्मार्ट वर्क करता है। अभी क्या होता है कि सिस्टम में कोई बग आ जाता है, अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, किसी भी रीज़न में कोई बग आ जाता है, तो इसका जो AI है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता है, कि आप इसे जो पैटर्न होता है, जैसे आपका जो चार्जिंग लगाने का पैटर्न होता है वो ये भूल जाता है, और ये जो समय होता है उसे बदल देता है कि आप जिस टाइम पे चार्जिंग में लगा रहे हो तो ये सोचेगा भाई ये नाइट की चार्जिंग है, नाइट में चार्जिंग में लगाए हुए हैं तो इसको स्लो चार्ज करना है। तो इसे अगर इसे आप डिसेबल कर देते हो, ऑफ कर देते हो, तो आप देखिएगा आपका चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने भी ये ट्राई किया था और मेरे में फास्ट चार्जिंग अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, बढ़िया चार्ज कर रहा है, बढ़िया वर्क कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर की बग की वजह से हो जाएगा। हालांकि अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो मैं आपको जरूर ही बोलूँगा कि आप रात में चार्जिंग में लगा के मत सोइए, हाँ, क्योंकि भाई अभी से क्या हो जाएगा कि जो AI वाला सिस्टम रहेगा वो तो बंद हो गया, तो आपका फ़ोन चार्ज होता ही रहेगा और इससे आपकी बैटरी में इफेक्ट आ सकती है। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं नहीं आती है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा भाई रात में चार्ज लगा के ज़रूरत ही क्या है, 65 वाट का फास्ट चार्जर है, सुबह सो के उठिए आधा घंटे में तो आपका फ़ोन ऑलरेडी फुल चार्ज हो जाएगा, तो आपको रात में लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सारे काम करना है, और अगर आप ऐसा करते हो, अगर ठीक हो गया तो एकदम बढ़िया, फिर नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं हुआ है तब पर भी कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत लग रही है। और अगर नहीं हो रहा तो सिंपली आपका फ़ोन वारंटी में होगा, आपको फ़ोन और जो आपका चार्जर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये मेरा चार्जर रखा हुआ है, ये दोनों आपको सर्विस सेंटर लेके जाना है, दिखाना कि भाई जो मेरा फास्ट चार्जर है वो वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि इससे पहले आपको एक बार फ़ोन को रीसेट करके भी ट्राई कर लेना है, सारा डेटा बैकअप कर लेना है और एक बार फ़ोन को रीसेट कर लेना है, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था तो रीसेट करने पर मेरा ठीक हो गया था। तो आपको ये भी एक जो ट्रिक है वो अपना लेना है, रीसेट कर लेना है। अगर इतना करने के बाद में नहीं हो रहा है तो सिंपली आप जाइए सर्विस सेंटर पे और वहाँ पे चेक करा लीजिए और वो लोग ठीक कर देंगे। तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसे नर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।